सरकार ने चुनाव से पहले रोजगार सहायकों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सरकार के अस्तित्व में आने के बाद भी सरकार अपना यह वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाई, जिससे रोजगार सहायकों में भारी नाराजगी है। मंगलवार को तमाम रोजगार सहायक अपनी इस मांग को दोहराने के लिए कलेक्ट्रेट में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोजगार सहायकों का कहना था कि कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में उनसे यह वादा किया था कि सरकार बनने के बाद सभी रोजगार सहायकों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार का यह वादा सब्जीबाग साबित हुआ। रोजगार सहायक लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी लगातार अनदेखी कर रही है। इस दौरान तमाम रोजगार सहायकों ने अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इसके अलावा सरकार को यह चेतावनी दी कि यदि उनकी नियमितीकरण नहीं किया गया तो वह सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। संगठन के आह्वान पर प्रदेश के समस्त 52 जिलों में आज रोजगार सहायक संगठन ने बहुत दिनों से पीड़ित एवं शोषित अनेक एक तरीके से जो आदेश किए जा रहे हैं, जिससे रोजगार सहायकों को बहुत ही पीड़ा हो रही है, उसी के खिलाफ आज समस्त 52 जिलों में रोजगार सहायकों ने अपने नियमितीकरण के लिए ज्ञापन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है कि शीघ्र ही वचन पत्र के अनुसार हमको नियमित किया जाए, नहीं आने वाले समय में आंदोलन और हड़ताल उग्र की जाएगी, जिससे शासन की छवि खराब होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन।